मौसम विभाग के मुताबिक राज्य में सीजन की 93% बारिश हो चुकी है, जबकि सीजन की बारिश के मुकाबले 50% ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। हालांकि मौसम विभाग ने कहा है कि दाहोद और गांधीनगर में सीजन की सबसे कम बारिश हुई है। क्या कहा गुजरात मॉनसून के बारे में मौसम विभाग ने, देखते मॉनसून रिपोर्ट अंदर की बात में। मौसम विभाग ने एक बार फिर बारिश की आशंका जताई है, जिसमें मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों तक राज्य में ज्यादा बारिश की संभावना ना के बराबर जताई है। हालांकि हल्की छिटपुट बारिश की भी संभावना है। मौसम विभाग ने कुछ जिलों में छिटपुट हल्की बारिश की संभावना जताई है, तो अहमदाबाद और गांधीनगर में भी छिटपुट बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य में सीजन की 93% बारिश हो चुकी है, जिसमें गुजरात के 33 जिलों में सामान्य से ज्यादा बारिश हुई है, लेकिन अब तक इतने जिलों में जितनी बारिश होनी चाहिए उससे कम हुई है। कम वर्षा के कारण यहां निष्कर्ष निकलता है कि उस जिले में वर्षा प्रणाली का प्रभाव कम है। दाहोद जिले में अब तक अनुमानित 437.5 मिलीमीटर बारिश के मुकाबले 339.9 मिलीमीटर बारिश हुई है, यानी 22% कम बारिश रिकॉर्ड की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। आम लोगों के लिए ज्यादा अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट में कोई बदलाव ना करते हुए 6.50% पर बरकरार रखा है, यानी सस्ते लोन के लिए इंतजार करना होगा। देखते हैं फाइनेंस रिपोर्ट अंदर की बात में। भारतीय रिजर्व बैंक ने आज अपनी मौद्रिक नीति का ऐलान कर दिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने घोषणा की है कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया जा रहा है। RBI गवर्नर ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है और इसके बाद रेपो रेट 6.50% पर है, वहीं रिवर्स रेपो रेट 3.35% पर यथावत है। MSF बैंक रेट 6.75% पर है। लोन लेने वाले के लिए राहत की खबर भी है, लेकिन इसके बाद बैंकों से सस्ते लोन की आस लगाए बैठे लोगों को निराशा हाथ लगी है। मौद्रिक नीति समिति की 3 दिवसीय बैठक में आम सहमति से नीतिगत दरों को 6.5% पर बरकरार रखने का फैसला लिया गया है। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने रेपो रेट में कोई बदलाव न किए जाने का ऐलान करने के साथ ही दावा किया है भारत सही ट्रैक पर आगे बढ़ रहा है और आगे वाले समय में ये दुनिया का ग्रोथ इंजन बनेगा। उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था ने महंगाई को काबू करने की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की। हालांकि खाद्य महंगाई दर चिंता का विषय बनी हुई है। बिहार की विधवा किसान कलावती बंदूकर अमित शाह के लोकसभा में दिए बयान के बाद फिर चर्चा में है। शाह ने दावा किया था कि राहुल गांधी ने कलावती के घर खाना खाया था, लेकिन उन्हें कोई मदद नहीं दी। पीएम मोदी की सरकार आने के बाद उन्हें मदद मिली। अब कलावती के बेटे ने एक निजी रिपोर्ट में क्या दावा की सच्चाई बताई? शाह या राहुल किसके जाने के बाद सही में उन्हें मिली मदद? देखते खास रिपोर्ट अंदर की बात में। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के विदर्भ के कलावती बंदूरकर का जिक्र किया। अमित शाह ने दावा किया कि राहुल गांधी ने जिन कलावती के घर भोजन किया था उसकी मदद राहुल ने नहीं, पीएम मोदी ने की। शाह के इस बयान के बाद कलावती यवतमाल की विधवा किसान कलावती चर्चा में आ गई। अब कलावती ने एक निजी रिपोर्ट में अमित शाह के दावों पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने बताया कि उन्हें कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात के बाद ही मदद मिली थी, बीजेपी से इसका कोई लेना देना नहीं है। कलावती के बेटे प्रीतम बंदूरकर ने बताया, उस समय हमारी हालात बहुत खराब थी, हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, हम लोग काम करने खेत में जाते थे, जैसे तैसे बस गुजारा चल रहा था, लेकिन कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के हमारे यहाँ आने के बाद हमारी स्थिति बदल गई। तब वो किसानों से मिलने हमारे इलाके में आए थे और अचानक हमारे घर भी आ गए। यहाँ आने के बाद उन्होंने हमारे पैसे से मदद की, उन्होंने हमें 30 लाख की FD दी, फिर घर मंजूर हुआ, पानी और लाइट दी। उन्हें उस समय जो कुछ भी मिला था केवल और केवल राहुल गांधी की वजह से ही मिला था। ब्यूरो रिपोर्ट। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को तोशाखाना मामले में 3 साल की सजा सुनाई गई है, लेकिन इमरान खान के सजा सुनाने वाले जज हुमायूं दिलावर काफी चर्चा में है। कौन है इमरान खान को जेल पहुंचाने वाले जज? क्यों सजा सुनाने के बाद चले गए लंदन? देखते हैं रिपोर्ट में। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को तोशाखाना मामले में 3 साल की सजा सुनाई गई है। वह फिलहाल अटक जेल में बंद है, लेकिन इमरान खान को जेल की सजा सुनाने वाले इस्लामाबाद जिला एवं सत्र अदालत के जज हुमायूं दिलावर चर्चा में बने हुए हैं। इसकी वजह है कि उन्होंने मुल्क छोड़ दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक जज दिलावर 5 से 13 अगस्त तक लंदन की यूनिवर्सिटी ऑफ हल में होने वाले
जुडिशियल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए परिवार के साथ लंदन गए हैं। यही वजह है कि वह इमरान को सजा सुनाने के तुरंत बाद उसी दिन लंदन के लिए रवाना हो गए थे। सोशल मीडिया पर चर्चा थी कि हुमायूं दिलावर को इमरान की पार्टी तहरीक इंसाफ पार्टी के ऑनलाइन कैंपेन की वजह से यूनिवर्सिटी ऑफ हल से निष्कासित किया गया है। बता दें, इस्लामाबाद जिला अदालत से जुड़ने से पहले हुमायूं दिलावर जेंडर बेस्ड वॉयलेंस कोर्ट में जज थे। वहीं 1 अप्रैल 2022 से 13 अप्रैल 2023 तक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कोर्ट में थे। उन्होंने अलग अलग मामलों में 11 लोगों की आजीवन कारावास की भी सजा सुनाई है। ब्यूरो रिपोर्ट। यूएस के अलास्का में एक नदी बहती है, नाम है मैडन हॉल, जो जूनेव शहर के पास मौजूद पहाड़ों में है। यहाँ पर ग्लेशियर की वजह से झील बनी है, लेकिन एक हादसे में वहाँ का हाल 2013 में केदारनाथ में आए आपदा जैसा हो गया है। कैसे अलास्का में फटा ग्लेशियर, देखते हैं खास रिपोर्ट अंदर की बात में। नॉर्थ अमेरिका के अलास्का में मेडन हॉल नाम का ग्लेशियर है, जो जुनेऊ शहर के पास मौजूद पहाड़ में है। यहाँ पर ग्लेशियर की वजह से झील बनी है। झील की प्राकृतिक दीवार टूटने से नदी में अचानक से बाढ़ आ गई। रिपोर्ट के तहत नदी में आई अचानक बाढ़ से कई सड़कें डूब गई हैं, 2 मकान लापता हो गए हैं। इसके अलावा कई क्षतिग्रस्त हुए हैं। नदी में ऊंचाई से मलबा और पेड़ बह कर आ रहे हैं, जिसकी वजह से स्थिति को इमरजेंसी घोषित किया गया है। वैज्ञानिक लगातार इस ग्लेशियर और उससे बने झील स्टडी कर रहे थे। झील के टूटने की आशंका मात्र 1% थी, लेकिन इसके बावजूद यहाँ घटना हुई। यहाँ ग्लोबल वार्मिंग की तरफ इशारा करता है। कुछ समय पहले आई एक स्टडी के मुताबिक ग्लेशियर झील के फटने की वजह से 1.50 करोड़ लोगों की जान आफत में है। ये लोग भारत, पाकिस्तान, पेरू और चीन में रहते हैं। मैडन हॉल ग्लेशियर 21.9 किलोमीटर लंबा है। 1929 से अब तक ग्लेशियर 2.42 किलोमीटर पीछे खिसक चुका है, जिससे झील बनी है। यह झील 4 किलोमीटर लंबी है। ब्यूरो रिपोर्ट।